सब स्तुति ईश्वर ही के गुणों का कीर्तन करती है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, हे भगवान परमेश्वर, जो अत्युत्तम प्रशंसा है सो आपकी ही है, तथा जो जो सुख और आनंद की वृद्धि होती है सो आप ही को सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है। इस कारण जो मनुष्य ईश्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते हैं वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं। जो लोग क्रम से विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण और ईश्वर की प्रार्थना करके अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं वे ही अविद्या आदि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्रुओं को जीतकर तथा अधिक अवस्था वाले और विद्वान होकर सब मनुष्यों को सुख उत्पन्न करके सदा आनंद में रहते हैं। इससे इस दशम सूक्त की संगति नवम सूक्त के साथ जाननी चाहिए। यह दशम सूक्त और 20वां वर्ग पूरा हुआ। अब 11वें सूक्त का आरंभ किया जाता है, तथा पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर व विजय करने वाले पुरुष का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब वेद माड़ी परम ऐश्वर्य युक्त, सब में रहने, सब जगह रमण करने, सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा व सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने व अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूर वीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं वे बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को प्राप्त कभी नहीं होते। भावार्थ, इस मंत्र में भी श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर व राजा की तरह संसार में दान और रक्षा निश्चल न्यायुक्त होती है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते। इससे सब कार्यों को उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। यह बात सबको माननी चाहिए। फिर अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य और सेनापति के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्य लोक अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम दाम और दंड से शत्रुओं को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे। फिर अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बादलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण दक्षिणायन तथा ऋतु मास पक्ष दिन घड़ी पर आदि हो जाते हैं वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभय दान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए।
तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। फिर अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम, दाम, दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रु जनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए, तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। इस सूक्त में शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता, संपादन, सूर्य लोक के कार्य, शूर वीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से कारण के द्वारा जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सूक्त की संगति 10वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह प्रथम मंडल में तीसरा अनुवाक, 11वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। चतुर्थोनुवाकः, अब 12वें सूक्त के प्रथम मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं को देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों। अब अगले मंत्र में दो प्रकार के अग्नि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है और पिछले मंत्र से व्रीडी महे इस पद की अनुवृत्ति आती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भुगवाने चाहिए। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हे मनुष्यों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंध आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों की खोज करना चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा सबको मानने योग्य है। अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थ को अंतरिक्ष में पहुंचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो जो प्रसिद्ध गुण हैं उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। उक्त अग्नि फिर भी क्या करता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, जो अग्नि इस प्रकार सुगंध्यादि गुणों वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करके सबके लिए सुखदायक होता है, वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। वह अग्नि कैसे प्रकाशित होता और किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं, और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप होके रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है।
अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या से सिद्धि के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों के रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। फिर भी अगले मंत्र में ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दूत शब्द का अर्थ दो पक्षों में समझना चाहिए, अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष तथा दूसरे से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया है। जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्व साक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्त से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि से संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं, तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्य को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी काम सिद्ध के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है तथा पहले मंत्र में चकार की अनुवृत्ति की है। हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है, इस कारण नवीयसा इस पाद का उच्चारण किया है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्या दान से प्रसन्न करता है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कला कौशल में युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रिया कांड का सेवन करता है। इस 12वें सूक्त के अर्थ की अग्नि शब्द के अर्थ के योग से 11वें सूक्त के अर्थ से संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13वें सूक्त के अर्थ का आरंभ करते हैं। इसके प्रथम मंत्र में परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण करके विमान आदि यानों में सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले अग्नि की अच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिए वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्धि कराने वाला होता है। अगले मंत्र में शरीर आदि की रक्षा करने वाले भौतिक अग्नि के गुण वर्णन किए हैं। भावार्थ, जब अग्नि में सुगंध आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध तथा शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या ज्ञान
और बल की वृद्धि भी होती है। अगले मंत्र में मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता कराने वाला है, उस अग्नि की 7 जीभें हैं, अर्थात काली, जो कि सुपेद आदि रंग का प्रकाश करने वाली, कराली, सहने में कठिन, मनोजवा, मन के समान वेग वाली, सुलोहिता, जिसका उत्तम रक्त वर्ण है, सुधुम्र वर्णा, जिसका सुंदर धूमलासा वर्ण है, स्फुलिंगिनी, जिससे बहुत से चिनगे उठते हों, तथा विश्व रूपी, जिसका सब रूप है, ये देवी अर्थात अतिशय करके प्रकाशमान और लेलायमाना प्रकाश से सब जगह जाने वाली 7 प्रकार की जिह्वा हैं, अर्थात सब पदार्थों को ग्रहण करने वाली होती हैं। इस उक्त 7 प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में मनुष्यों को उपकार लेना चाहिए। उक्त अग्नि इस प्रकार उपकार में लिया हुआ जिसका हेतु होता है, सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष में गमन का हेतु तथा अग्नि वा जल आदि पदार्थों से संयुक्त 3 प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यंत सुख देने वाली होकर बहुत उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होता है। फिर वह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से क्रिया में युक्त किया हुआ क्या करता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वान लोग अग्नि में जो घृत पदार्थ छोड़ते हैं, वे अंतरिक्ष को प्राप्त होकर वहां के ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं, और वह शुद्ध हुआ जल सुगंध आदि गुणों से सब पदार्थों को आच्छादन करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। अब अगले मंत्र में घर, यज्ञशाला और विमान आदि रथ अनेक द्वारों के सहित बनाने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य को अनेक प्रकार के द्वारों के घर, यज्ञशाला और विमान आदि यानों को बनाकर उनमें स्थित होम और देशांतरों में जाना आना करना चाहिए। यह 24वां वर्ग समाप्त हुआ। उक्त कर्म से दिन रात सुख होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, मनुष्यों को जो उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार लेवें, क्योंकि रात्र दिन सब प्राणियों के सुख दुख का हेतु होता है। अब अगले मंत्र में उन अग्नियों का उपदेश किया है, जो शुद्ध करने वाले विद्युत रूप से अप्रसिद्ध और प्रत्यक्ष स्थूल रूप से प्रसिद्ध हैं। भावार्थ, जैसे एक बिजली वेग आदि अनेक गुण वाला अग्नि है, इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि भी है, तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अच्छे प्रकार क्रियाओं में नियुक्त किए हुए शिल्प आदि अनेक कार्यों की सिद्धि के हेतु होते हैं, इसलिए इन्हीं से मनुष्यों को सब उपकार लेने चाहिए। वहां 3 प्रकार की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को इड़ा, जो कि पठन पाठन की प्रेरणा देनहारी, सरस्वती, जो उपदेश रूप ज्ञान का प्रकाश करने, तथा मही, जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतर्क से खंडन करने योग्य नहीं हैं, तथा सब सुख के लिए 3 प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिए, जिससे निश्चलता से अविद्या का नाश हो। फिर वहां क्या क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को अनंत सुख देने वाले ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, तथा जो यह भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण और पदार्थों का प्रकाश करने सबसे उत्तम और हम लोगों की शिल्प विद्या का अद्वितीय साधन है, उसका उपयोग शिल्प विद्या में यथावत करना चाहिए। वह अग्नि किससे प्रज्वलित हुआ, इन कार्यों को सिद्ध करता है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों से पृथ्वी तथा सब पदार्थ जलमय युक्ति से क्रिया से युक्त किए हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निर्मूलता से बुद्धि और बल को देने के कारण
ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्य गुणों का प्रकाश करते हैं। इस क्रियाकांड को मनुष्य लोग जिस प्रकार से करें सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान होकर यथा योग्य बने हुए स्थानों में उत्तम विचार से क्रिया समूह से सिद्ध होने वाले कर्मकांड को नित्य करते हुए और वहां विद्वानों को बुलाकर वा आप ही उनके समीप जाकर उनके विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें। हे ससज्जन लोगों, तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता आलस्य से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिए है। इस 13वें सूक्त के अर्थ की अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के उपकार लेने के विधान से 12वें सूक्त के अभिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सूक्त और 25वां वर्ग पूरा हुआ। अब 14वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में बहुत पदार्थों के साथ संयोग करने वाले ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो वे वायु जल और पृथ्वी मयाद यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द के अर्थों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है। अब अगले मंत्र में सब देवों में से कई एक देवों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र के पूर्व मंत्र में कणवाह अहूषत और गृणंति इन तीन पदों की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं से संयुक्त करते हैं वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुख युक्त सदैव करते हैं। उक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किए हुए किस किस कार्य को सिद्ध करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं तथा जो मनुष्य इनसे वैद्यक वा शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किया है इससे हम लोग आप ही की स्तुति सबकी रक्षा की इच्छा शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। ईश्वर के रचे हुए बिजली आदि पदार्थ कैसे गुण वाले हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, जो मेघ आदि पदार्थ हैं वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से बरसाते हैं तथा ताराख्य यंत्र से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त कराती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त कराने वाले यही पदार्थ हैं ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। यह 26वां सर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन और अग्नि की क्रिया कुशलता से रसादि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फिर उक्त पदार्थ किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का कर्म करना चाहिए अर्थात एक तो उनके गुणों का जानना
दूसरे उनसे कार्य की सिद्धि करना, जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर पीछे छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिए सुगंधि आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों। किस प्रकार के मनुष्य उन गुणों का ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता, और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग को करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे इस मंत्र में उषर बुधः इस पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। किसके साथ में यह विद्युत अग्नि क्रियाओं की सिद्धि कराने वाला होता है, सो अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, यह विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय पूजने के योग्य है, वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है। फिर अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। सब देवों के गुण के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस 14वें सूक्त की संगति पूर्वोक्त 13वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ। अब 15वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ऋतु ऋतु में रस की उत्पत्ति और गति का वर्णन किया है। भावार्थ, यह सूर्य वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन वसंत आदि ऋतु चैत्र आदि 12 महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष दिन रात मुहूर्त जो 30 कलाओं का संयोग कला जो 30 काष्ठा का संयोग काष्ठा जो 18 निमेश आदि समय के विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे मनु जी ने कहा, और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों को जलों से खींचता है। वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। अब ऋतुओं के साथ पवन आदि पदार्थ सबको खींचते और पवित्र करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथा योग्य गुण उत्पन्न होते हैं, इसी से वे त्रसरेणु आदि पदार्थों के हेतु होते हैं तथा अग्नि के बीच में सुगंधित पदार्थों के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणी मात्र को सुख संयुक्त करते हैं और वे ही पदार्थों के लेन देन में हेतु होते हैं। अब ऋतुओं के साथ साथ विद्युत अग्नि क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो बिजली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है सो अब स्थूल पदार्थों के अवयवों में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है, इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलय हो जाता है। अग्नि भी ऋतुओं का संयोजक होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, दाह गुण युक्त यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर नीचे व मध्य में रहने वाले पदार्थों को अच्छी प्रकार सुशोभित करता, होम और शिल्प विद्या में संयुक्त किया हुआ दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता है। ऋतुओं के साथ वायु क्या क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जगत के रचने वाले परमेश्वर ने वायु आदि पदार्थों में जो जो नियम स्थापन किए हैं
उनको जानकर कार्यों को सिद्ध करना चाहिए और उनसे सिद्ध किए हुए धन से सब ऋतुओं में सब प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए तथा युक्त के साथ सेवन किए हुए प्राणियों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिए तथा युक्त के साथ सेवन किए हुए पदार्थ मित्र के समान होते और इसके विपरीत शत्रु के समान होते हैं ऐसा जानना चाहिए। अब वायु विशेष प्राण वा उदान ऋतुओं के साथ क्या क्या प्रकाश करते हैं इस बात का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो सबका मित्र बाहर आने वाला प्राण तथा शरीर के भीतर रहने वाला उदान है इन्हीं से प्राणी ऋतुओं के साथ सब संसार रूपी यज्ञ और बल को धारण करके व्याप्त होते हैं जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। यह 28वां वर्ग पूरा हुआ। फिर अगले मंत्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड यज्ञों में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक अग्नि होम वा शिल्पादि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य है। उक्त अग्नि ही पदार्थों को देने वा उनका दिलाने वाला है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिए जो पदार्थ उत्पन्न किए हैं उपकार में संयुक्त किए हैं उन पदार्थों से जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं वे विद्वान ही के संग से सुख देने वाले होते हैं। यज्ञ करने वाले मनुष्यों को ऋतुओं में करने योग्य कार्यों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को अच्छे ही काम सीखने चाहिए दुष्ट नहीं और सब ऋतुओं में सब सुखों के लिए यथा योग्य कर्म करना चाहिए तथा जिस ऋतु में जो देश स्थिति करने वा जाना आना तथा उस देश के अनुसार खाना पीना वस्त्र धारणादि व्यवहार करके सब व्यवहारों में सुखों को निरंतर सेवन करना चाहिए। फिर ऋतु ऋतु में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ परमेश्वर तीन प्रकार के अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप जगत से अलग होने के कारण चौथा है जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी सबका अंतर्यामी और आधार नित्य पूजन करने योग्य उसको छोड़कर ईश्वर बुद्ध करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिए क्योंकि इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देने वाला नहीं है। फिर ऋतुओं के साथ में सूर्य और चंद्रमा के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य चंद्रमा तथा इस प्रकार मिले हुए अन्य भी दो दो पदार्थ कार्यों की सिद्ध के लिए संयुक्त किए हैं हे मनुष्यों तुम्हें वे अच्छी प्रकार सब ऋतुओं के सुख तथा व्यवहार की सिद्ध को प्राप्त कराते हैं इनको सब लोग समझें। फिर भी भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो विद्वानों से सब व्यवहार रूप कामों में ऋतु ऋतु के प्रति विद्या के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है सो मनुष्य आदि प्राणियों के लिए दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। जो सब देवों के अनुयोगी वसंत आदि ऋतु हैं उनके यथा योग्य गुण प्रतिपादन से 14वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 15वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 15वां सूक्त और 29वां वर्ग पूरा हुआ। अब 16वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ सूर्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने सबका प्रकाश करने तथा वर्षा कराने वाली है। वह यथा योग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती है। फिर अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुणों का ही उपदेश किया है। भावार्थ इस संसार में रात्रि और दिन शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दक्षिणायन और उत्तरायन हरण करने वाले कहलाते हैं उनसे सूर्य लोक आनंद रूप व्यवहारों को प्राप्त करता है।
अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से तीन अर्थों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है और उसकी ही आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिए। बिजली तथा जो प्राण रूप वायु है उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिए। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से वायु के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकार युक्त करने चाहिए वे अग्नि विद्युत सूर्य और वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं। फिर अगले मंत्र में इंद्र के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अत्यंत प्यासे मृग आदि पशु और पक्षी वेग से दौड़कर नदी तालाब आदि स्थानों को प्राप्त होके जल को पीते हैं, वैसे ही यह सूर्य लोक अपनी वेगवती किरणों से औषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रसों को पीता है। सो यह विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य को यथावत उपयुक्त करना चाहिए। यह तीसवां वर्ग पूरा हुआ। अब वायु किस लिए किसमें किन किन पदार्थों के रस को पीता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के लिए जितने मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं सूर्य से छिन्न भिन्न किए हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है। उसके संयोग से प्राणी अप्राणी बल पराक्रम वाले होते हैं। उक्त वायु कैसे गुण वाला है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों के लिए उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन अत्यंत सुखकारी होता है। भावार्थ वायु प्रकाश में अपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त होकर मेघ की वृष्टि करने या सबसे वेग वाला होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता। अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ ईश्वर में यह सामर्थ्य सदैव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार सब कामनाओं को पूर्ण करना तथा जो संसार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। ऋतुओं के संपादक जो सूर्य और वायु आदि पदार्थ हैं उनके यथा योग्य प्रतिपादन से पूर्व 15वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 16वें सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। यह 16वां सूक्त और 31वां वर्ग पूरा हुआ। अब 17वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में इंद्र और वरुण के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ जैसे प्रकाशमान संसार के उपकार करने सब सुखों को देने व्यवहारों के हेतु और चक्रवर्ती राजा के समान सबकी रक्षा करने वाले सूर्य और चंद्रमा हैं, वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए। अब इंद्र और वरुण से संयुक्त किए हुए अग्नि और जल के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ पूर्व मंत्र से इस मंत्र में आवृणे इस पद का ग्रहण किया है। विद्वानों से युक्त के साथ कला यंत्रों से युक्त किए हुए अग्नि जल जब कलाओं से बल में आते हैं तब रथों को शीघ्र चलाने उनमें बैठे हुए मनुष्यों आदि प्राणी पदार्थों को धारण कराने और सबको सुख देने वाले होते हैं। इस प्रकार साधे हुए ये दोनों किस किस के हेतु होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य को योग्य है कि जिस प्रकार अग्नि और जल के गुणों को जानकर क्रिया कुशलता में संयुक्त किए हुए ये दोनों बहुत उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त करें, उस युक्त के साथ कार्यों में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिए। उक्त कार्य के करने से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को सदा आलस्य छोड़कर अच्छे कामों का सेवन तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिए, जिससे अविद्या और दरिद्रता जड़ मूल से नष्ट हों।
फिर इंद्र और वरुण किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, पहले मंत्र से इस मंत्र में ही इस पद की अनुवृत्ति है। जितने पृथ्वी आदि व अन्न आदि पदार्थ दान आदि के साधक हैं, उनमें अग्नि, विद्युत और सूर्य मुख्य हैं। इससे सबको चाहिए कि उनके गुणों का उपदेश करके उनकी स्तुति व उनका उपदेश सुनें और करें, क्योंकि जो पृथ्वी आदि पदार्थों में जल, वायु और चंद्रमा अपने अपने गुणों के साथ प्रशंसा करने और जानने योग्य हैं, वे क्रिया कुशलता में संयुक्त किए हुए उन क्रियाओं को सिद्ध कराने वाले होते हैं। यह 32वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर उन दोनों से मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अग्नि आदि पदार्थों के उपयोग से पूर्ण धन का संपादन और उसकी रक्षा व उन्नति करके यथा योग्य खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से सबके हित की उन्नति करनी चाहिए। कैसे धन के लिए उपाय करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किए हुए मित्र और वरुण के कामों में युक्त रहते हैं, वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ व विजय आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुख संयुक्त होते तथा औरों को भी सुख संयुक्त करते हैं। फिर उनसे क्या क्या सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्व मंत्र से हुए पद का ग्रहण किया है। जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प आदि उत्तम व्यवहारों में उक्त इंद्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुख को फैलाते हैं। उक्त इंद्र और वरुण के यथा योग्य गुण कीर्तन करने की योग्यता का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं, उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। पूर्वोक्त 16वें सूक्त के अनुयोगी मित्र और वरुण के अर्थ का इस सूक्त में प्रतिपादन करने से इस 17वें सूक्त के अर्थ के साथ 16वें सूक्त की अर्थ की संगति करनी चाहिए। यह चौथा अनुवाक 17वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ। पंचमो अनुवाक, अब 18वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में यजमान ईश्वर की प्रार्थना कैसी करे, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो कोई विद्या के प्राश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है। फिर वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर व आत्मा की पुष्टि वाले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं। अगले मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना का प्रकाश किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिए, किंतु सबकी न्याय ही से रक्षा करनी चाहिए। अगले मंत्र में इंद्रादिकों के कार्यों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य वायु, विद्युत, सूर्य और सोम आदि औषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते। कैसे वे रक्षा करने वाले होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम, इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्त के साथ सेवन कर सकते हैं।
यह 34वां वर्ग पूरा हुआ। अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं। वही सब जगत को रचता है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, व्यापक ईश्वर सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है। वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है। कभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला, अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो, ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती। फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को चाहता है, इससे सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रियामय यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं। फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्यादि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है। इस मंत्र से सद सस्पतिम इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए। पूर्व 17वें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगी बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस 18वें सूक्त के अर्थ की संगति चाहिए। यह 18वां सूक्त और 35वां वर्ग पूरा हुआ। अब 19वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो यह भौतिक अग्नि और प्रसिद्ध सूर्य विद्युत रूप से पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हर एक क्रिया सिद्धि व सबकी रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना व सुनना चाहिए। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उसकी महिमा व कर्म अपार हैं, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किंतु जितनी जिसकी बुद्धि व विद्या है उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप व गुण व जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं उतनी ही जान सकता है, अधिक नहीं। अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण व प्रकाश द्वारा तथा पवनों की चेष्टा द्वारा धारण किए हुए लोक हैं, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेना जानते हैं, वे ही अत्यंत सुखी होते हैं। फिर उक्त पवन किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जितना बल वर्तमान है उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है। ये वायु सब लोकों के धारण करने वाले हैं। इसके संयोग से बिजली व सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किए जाते हैं। इससे वायु के गुणों को जानना व उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। फिर भी उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं।
इससे मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्ध से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यह 36वां वर्ग पूरा हुआ। फिर भी उक्त पवन कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान हैं, परंतु उसके रचे हुए सूर्य लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्र लोक प्रकाशित होते हैं। उन अच्छे अच्छे गुणों वालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। फिर उक्त पवन किन कार्यों के हेतु होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, वायु के संयोग से ही वर्षा होती और जल के कण वारेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं। उनके साथ वह उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती और बादलों में छिप जाती है। ये ही प्रकाश आदि गुणों का विस्तार करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं। इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब शिल्प क्रिया रूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध करना चाहिए। 18वें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से जिन अग्नि वा वायु का प्रतिपाद है, उनकी विद्या की एकता होने से इस 29वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिए प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है। यह प्रथम अष्टक के प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 37वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ द्वितीयोऽध्यायः, अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में ऋभु की स्तुति का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं, वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं। फिर वे विद्वान कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो विद्वान पदार्थों के संयोग वा वियोग से धारण आकर्षण वा वेगादि गुणों को जानकर क्रियाओं के शिल्प व्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। वे उक्त विद्वान किससे क्या क्या सिद्ध करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अंग उपांग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर काल यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके उनको किया करते हैं, वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते। फिर वे विद्वान कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं। फिर ये किससे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो विद्वान लोग जब वायु और विद्युत का आलंब लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र असि आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी होते हैं। यह पहला वर्ग समाप्त हुआ। उक्त कार्य करने में किसका सामर्थ्य होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य लोग किसी क्रिया कुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं।
इस प्रकार से सिद्ध किए हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं, उनको मन, वाणी और शरीर से यथावत करें। इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, उनके संग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। वे एक एक कर्म को सिद्ध व समाप्त करके दूसरे का आरंभ करें। इस क्रम से शांति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें। वे उक्त कर्म को करके किसको प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म व विद्वानों की संगति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा व्यवहार सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। 19वें सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बुद्धिमान ही समर्थ होते हैं। इस अभिप्राय से इस 20वें सूक्त के अर्थ का मेल पिछले 19वें सूक्त के साथ जानना चाहिए। यह 20वां सूक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ। अब 21वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र और अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, मनुष्यों को वायु और अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्यों को उपदेश व श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के बनाने व उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता। वे किस उपकार के करने वाले होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु और अग्नि को कार्य में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं, तभी वे सुखी होते हैं। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग आदि गुण वाले वायु और अग्नि शिल्प क्रिया युक्त व्यवहार में संपूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। भावार्थ, विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप व गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं, उनको अच्छी प्रकार जानकर क्रिया व्यवहार में संयुक्त करें, तो वे दुखों को निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो नित्य पदार्थ हैं, उनके गुण भी नित्य हैं। जो शरीर में व बाहर रहने वाले प्राण वायु तथा बिजली हैं, वे अच्छी प्रकार सेवन किए हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं। 20वें सूक्त में कहे हुए बुद्धिमानों की पदार्थ विद्या की सिद्धि के वायु और अग्नि मुख्य हेतु होते हैं। इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त 20वें सूक्त अर्थ के साथ इस 21वें सूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिए। यह 21वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 22वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में अश्विनों के गुण का उपदेश किया है। भावार्थ, शिल्प कार्यों की सिद्ध करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि को पहले ग्रहण करें, क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों की सिद्धि व गमन का संभव नहीं हो सकता। फिर वे किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्यों के लिए अत्यंत सिद्ध कराने वाले अग्नि और जल हैं, वे शिल्प विद्या में संयुक्त किए हुए कार्य सिद्ध के हेतु होते हैं। ये क्रिया में किनसे संयुक्त हो सकते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, उपदेश के बिना
किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती। इसे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरंतर करना चाहिए। इसको करके अश्वियों के योग से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर स्थानों में भी शीघ्र पहुंचाता है, इससे तुम लोगों को भी इस शिल्प विद्या का अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। अगले मंत्र में परम ऐश्वर्य कराने वाले परमेश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ, मनुष्यों के द्वारा चेतन में सब जगह प्राप्त होने और निरंतर पूजन करने योग्य प्रीति का एक पूज्य और सब ऐश्वर्यों का देने वाला परमेश्वर है, वही निरंतर उपासना के योग्य है। इस विषय के बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है। यह चौथा वर्ग पूरा हुआ। फिर उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे विद्वान मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आज्ञा का आचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो।